हेलो दोस्तों, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और मैं आपको बताता हूँ शिव और उनसे जुड़े अद्भुत रहस्य। तो आइए आज जानते हैं कि क्या होता है ओम नमः शिवाय बोलने और जाप करने से। वेलकम टू गॉड्स ऑफ इंडिया, जहाँ मैं आपको मंदिरों और भगवानों से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, उनकी ताकत और चमत्कारों के बारे में बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पुराणों में ऐसे उपचार लिखे हैं जो कि आज तक साइंस भी खोज नहीं पाई है, इन्हीं में से एक है ओम नमः शिवाय। अगर हम मनुष्यों को मंत्रों की सही जानकारी हो तो हम हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मंत्रों से जुड़े कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें साइंस भी नहीं पता है। हर शिव भक्त के मुंह से आप सबने कभी न कभी यह मंत्र जरूर सुना होगा, ओम नमः शिवाय। इसके जरिए हम शिव जी को नमस्कार करते हैं। पंचाक्षरी शिव मंत्र मतलब पांच अक्षर। यह नेचर के पांच एलिमेंट्स से बना है, जिसमें ओम यानी वो जिसमें सब कुछ समाया हो, न यानी धरती, मह यानी पानी, शी यानी आग, वा मतलब हवा या वायु, या मतलब आसमान। पुराणों के अनुसार हमारा शरीर भी इन्हीं पांच एलिमेंट्स यानी पंचतंत्र से मिलकर बना है। इसलिए ओम नमः शिवाय के जरिए न सिर्फ हम शिव को प्रसन्न करते हैं बल्कि हम हमारे शरीर की ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। यह मंत्र हमारे मन को पवित्रता से भर देता है और हमारे ऊपर शिवजी का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। यही नहीं, साइंस के अनुसार इस मंत्र से हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है और इस मंत्र से हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मंत्रों की शक्ति हमारे जीवन के अनदेखे पहलुओं पर काम करती है और तो और साइंस यह भी कहती है कि इस मंत्र का रोज उच्चारण करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, आप किस मंत्र का जाप रोज करते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।